नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, नेटवर्क 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, जी हाँ, एंटरटेनमेंट के लिहाज से जनवरी का ये महीना मूवी लवर्स के लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ है। 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पठान तो ब्लॉकबस्टर जा रही है, लेकिन ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का लग रहा है। इस महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज और कई नई फिल्में स्ट्रीम हुई हैं। तो मानते हैं ना कि महीने की शुरुआत से लेकर एंड तक जनवरी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट से भरा रहा है। एन एक्शन हीरो से लेकर सैटरडे नाइट्स तक इस महीने के अंत में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही। आइए जानते हैं इनके अलावा ओटीटी की बकेट लिस्ट में इस वीकेंड कौन कौन सी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कौन कौन सी रिलीज होनी बाकी है। सबसे पहले नंबर पर है यू पीपल। ये एक रोम कॉम जिसमें एक युवा जोड़ा सामाजिक मानदंडों के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई देता है। दोनों की फैमिलीज के बीच काफी डिफरेंस होने की वजह से परिवार के बीच विवाद शुरू हो जाता है। इस फिल्म में एडी मर्फी, टैको और मॉली गॉर्डन के साथ कई बड़े सितारे नजर आने वाले। फैमिली ड्रामा से भरपूर ये फिल्म अपने अनाउंसमेंट के साथ ही काफी सुर्खियां बटोर रही थी। अब ये ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है। दूसरी फिल्म है सैटरडे नाइट। ये एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसमें दोस्ती, यारी, ओल्ड टाइम मेमोरीज को रिफ्रेश किया जाता है। ये फिल्म टोटली फ्रेंडशिप बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म की कहानी ऐसे चार दोस्तों की है जो कई सालों से एक दूसरे से मिले नहीं। वो एक साथ मिलने का प्लान बनाते हैं और अपनी दोस्ती को फिर से जीते हैं। फिल्म की कहानी नवीन भास्कर ने लिखी है जिसे रोशन एंड्रयू ने डायरेक्ट किया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एन एक्शन हीरो। आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में मदर, एक्शन, बदला तीनों भरपूर मात्रा में नजर आने वाला है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना मानव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि फिल्म के शूट के लिए हरियाणा जाता है और वहां गलती से एक विकी नाम के लड़के को मार देता है। मानव खुद को बचाने के लिए विदेश भाग जाता है और विकी का भाई वहां पहुंच जाता है। इस फिल्म में जयदीप अहलावत नेगेटिव रोल में दिखाई दिए हैं और वो विकी के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है फिल्म रांगी। रांगी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम है थायाल नयागी। थायाल एक कहानी पर रिसर्च कर रही होती है और इसी दौरान उसको एक साजिश का पता लगता है। इस फिल्म में त्रिशा कृष्णन, अनुस्वारा राजन और बेगजोड अब्दू मलिक को लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन एम सरवनन ने किया है। ये फिल्म 29 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। पांचवे नंबर पर है 18 पेजेस। ये फिल्म एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका हीरो सिद्धू है। सिद्धू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि नंदिनी नाम की एक युवा महिला की किताब की खोज करता है और फिर किताब को पढ़ते पढ़ते उसे नंदिनी से प्यार हो जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे पालंती सूर्य प्रताप ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, कोसानी कृष्णा मुरली मुख्य किरदार है। इस फिल्म को देखकर आपको कृति सेनन की बरेली की बर्फी फिल्म याद आ जाएगी। तो इस वीकेंड आप कौन सी फिल्म देखने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।